को एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जो कि साल में एक बार कंडक्ट होता है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में क्लास 9 के लिए क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एग्जाम के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने मार्क्स से होंगे, पासिंग मार्क्स क्या होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सैनिक स्कूल की। तो यहाँ 2023 सेशन के लिए क्लास 9 एंट्रेंस एग्जाम के लिए फर्स्ट सब्जेक्ट होगा मैथ्स, जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 4 मार्क्स के होंगे और यह 200 मार्क्स का पेपर होगा। सेकंड है इंग्लिश, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा और यह 50 मार्क्स का पेपर होगा। थर्ड है इंटेलिजेंसी, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा और यह पेपर 50 मार्क्स का होगा। फोर्थ नेक्स्ट है फोर्थ जनरल साइंस, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा और 50 मार्क्स का यह पेपर होगा। फिफ्थ है आपके लिए सोशल स्टडीज, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन के लिए मिलेंगे और 50 मार्क्स का पेपर होगा, यानी क्लास 9 का आपका टोटल 400 मार्क्स का आपका पेपर होगा और सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की। तो यहाँ RMS में क्लास 9th में एडमिशन के एंट्रेंस एग्जाम में रहने वाले सब्जेक्ट्स रहेंगे। असल में यहाँ एग्जाम 3 सेक्शन में होगा। फर्स्ट सेक्शन में जो पेपर 1 है, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस। इंग्लिश 50 मार्क्स का पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे और जिसमें 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। हिंदी 20 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। थर्ड है सोशल साइंस, जो कि 30 मार्क्स का होगा, इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 50 मार्क्स लाना कंपलसरी है। उसके बाद पेपर 2 सेक्शन में मैथ्स और साइंस होगा, मैथ्स 50 मार्क्स और साइंस 50 मार्क्स का होगा। दोनों में ही 100 क्वेश्चन होंगे और 50% मार्क्स लाना कंपलसरी है। इसके बाद थर्ड सेक्शन रहता है जो कि इंटरव्यू होता है। सैनिक स्कूल का क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम जनवरी 2023 में कंडक्ट होगा और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल क्लास 9 का एंट्रेंस एग्जाम दिसंबर 2022 में कंडक्ट होगा। तो जल्द ही सैनिक स्कूल के जो फॉर्म है वो आउट होने वाले हैं, पर गुड न्यूज ये है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए जो पोर्टल है वह 10 सितंबर से ओपन हो रहा है, यानी कि आप 10 सितंबर से अब आप अपने बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी लास्ट डेट 10 अक्टूबर है। तो सिर्फ 1 महीना है अप्लाई करने के लिए, तो जल्दी करें। पूरी जानकारी के लिए आप कॉल भी कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर पर। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉइड ऐप।